संतों की सेवा करते हैं तो श्री राम जी महाराज प्रसन्न होते हैं, और जब अपने साहब की सेवा करते हैं तो संत प्रसन्न होते हैं। तानो हरिजन हृदय हरि हर्षाई, भगवान के हृदय में अथवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मगन के न जानती ना हम तेभ्यो मनागमी। और भक्तों के हृदय में भगवान का निवास है। स्वामी से कछु अन्य ज्ञान नहीं, दास ही तीन काल दर्शाई। कहते हैं स्वामी से कोई अन्य ज्ञान नहीं रहता है, दासों को तीनों कालों में दर्शन देते हैं श्री राम जी महाराज। दास अन्य स्वामी न जानत उद्धव ते कह कृष्ण कराई। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि भैया उद्धव, मैं अपने दासों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, केवल जानता हूं तो मैं अपने दासों को, अपने भक्तों को जानता हूं। साध स्वरूप राम जग राज, राम स्वरूप साध सुखाई। संतों के स्वरूप में श्री राम जी महाराज विराजते हैं, और राम जी के स्वरूप में संत विराजते हैं। भक्त चरित सुनि प्रभु सुख पावत, राम चरित सुनि भक्त भलाई। कहते जब भक्तों का चरित श्री राम जी महाराज सुनते हैं तो अत्यंत सुखी होते हैं, और भक्त जब रामचरित सुनते हैं तो राम जी के चरित्र को सुनकर के सुखी होते हैं। नाथ पवानन शशि सर्वत, कथा सुधा रघुवीर, करत पान लोचन सजल नहीं अघात मत धीर। हरि देख हरि जन अनुरागत, जन लग ही जिए चरण जुड़ाई। कहते हैं जब भगवान को भगवान के भक्त देखते हैं तो बड़ा अनुराग रखते हैं, उनके हृदय में बड़ा प्रेम आता है, और जब भगवान अपने भक्तों को देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। दोनों की एक ही स्थिति है, वो भक्त को देखकर के प्रसन्न होते हैं और भक्त भगवान को देखकर के प्रसन्न होते हैं। जोई जोई प्रभु ही से जन लागत, सोई सोई साधु सेव सब लाई। कहते हैं जो जो सेवा अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन करते हैं, वही वही सेवा अपने संतों की भगवान भी किया करते हैं। अगर संत कहते हैं कि नीच हर ग्रह के सब करी हो, पद पंकज विलोक भव करी हो, तो राम जी भी नीची से नीची सेवा करते हैं। महाराज माधवदास जी की जब लगोटी साफ कर सकते हैं, शौच साफ कर सकते हैं, तो फिर क्या नहीं ठाकुर जी कर सकते। तरस परस पूजत वक्त श्रवण हरि के, जिन जग परे जनाई। हमारे राम जी के जो भक्त हैं वो भगवान का दर्शन स्पर्श करके, उनकी कथा सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये भगवान भी अपने जनों का स्पर्श करके, अपने जनों को अपने हृदय से लगा करके बड़े प्रसन्न होते हैं। सोई सुख सोई गति सोई सुचि भगति, विमल विवेक सत्संग आई। सचिद आनंद परम परमानंद सहज स्वरूप राम रघुराई। कहते श्री राम जी वही कार्य करते हैं जिससे भक्तों को आनंद की अनुभूति हो गए, और भक्त भी वही सत्संग करते हैं जिसे विवेक की प्राप्ति हो गए, भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो गए। राम भक्त तस रूप परम पद, ज्ञान विराग प्रेम खन छाई। कहते जब राम जी के भक्त होते हैं, राम जी जैसा ही स्वरूप उनका हो जाता है, और जो राम जी देते हैं वही भक्त देते हैं। राम जी अपना धाम दे देते हैं तो भगवान के भक्त भी भगवत धाम दे देते हैं। माने भक्त में और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। नाम रूप लीला अरुधाम हरि के जस महिमा गति गाई।
कहते नाम रूप लीला और धाम, इनकी महिमा जैसे संतों ने गाई है वैसे भगवान ने भी अपने भक्तों की महिमा गाई है। भैया मेरे भक्तों का नाम लोगे तो कल्याण हो जाएगा। श्री नाभा स्वामी ने तो लिखा ही है, अग्रदेव आज्ञा रही भक्तन को यश दाओ, भव सागर के तरण को नाहिन आन उपाओ। भव सागर से तरने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का जप करना। दूसरा उपाय है भगवान के भक्तों का नाम लेना, भक्त नामावली का स्मरण करना। जब भक्त नामावली का स्मरण करते तो भक्तों का चरित्र हमारे जीवन में उतरता है, हमारी रहनी भक्तों की रहनी हो जाती है। तैसे ही गुण संत के चारों अनुभव कर प्रत्यक्ष जनाई, कहते ऐसे ही गुण संतों में चारों के चारों विद्यमान रहते हैं और अनुभव करो प्रत्यक्ष में आपको दर्शन होगा। आज किसी भी संत के पास लोग जाते हैं, जो अच्छे संत हैं दर्शन करने जाते हैं, हमारा कल्याण होगा। संत के पास जाएंगे तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, इसीलिए संत के पास जाते हैं ना। भोजन भट्ट थोड़ी है जाते हैं, भंडारा तो कहीं भी मिलता है पर संत सब जगह नहीं मिलते। एक तरफ से संत